हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। देखिए, हम लोग एल्गी तक कंप्लीट कर चुके हैं। एल्गा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगा लिए। ब्रायोफाइट्स पे आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं। हम लोग को कोर्स पूरा करना है, तो आइए ब्रायोफाइट्स चालू करते हैं। जनरल करेक्टर एंड हैबिटेट। सबसे पहले हमें ब्रायोफाइट्स के जनरल करेक्टर और हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेज एंड लीवर वर्ल्ड। तो आपको याद क्या रखना है, अपनी एनसीईआरटी की हेडलाइन याद रखनी। एनसीईआरटी बोल रही है ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड्स आ रहे हैं, मॉसेज आ रहे हैं। ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन वहाँ फॉर्म होगा कि ब्रायोफाइट्स में क्या इंक्लूड हो रहा है, लीवर वर्ड्स एंड मॉसेज। ठीक, आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट डैम ह्यूमिड प्लेसेज। ये आपको नम छायादार वाले स्थानों पर, मॉइस्ट डैम प्लेसेस पे, ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलेंगे, नम छायादार वाले स्थानों पे मिलेंगे। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल है इन प्लांट सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है एक के पीछे दूसरा आना। तो हम लोग देखते हैं बेयर रॉक्स, जो नंग चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं वनस्पति उग रही, वहाँ पे इनका रोल है। सबसे पहले लाइकेन इस्टेब्लिश होगा। लाइकेन के इस्टेब्लिश होने के बाद थोड़ी बहुत जो वो क्षय कर देगा, डिकम्पोजिशन रॉक्स का कर देगा, हल्का फुल्का सतह उसने ऊपर की इरोज कर दी, थोड़ी सी उसमें सॉयल टाइप स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे हमारे ब्रायोफाइट्स। तो हमारे सबसे पहले लाइकेन, लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट्स वगैरह। तो इनका बड़ा तगड़ा रोल है प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक्स, नंग चट्टानों पे। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल लाइफ, दो तरह की जिंदगी बिताने वाले एम्फीबियंस प्लांट किंगडम के कहलाते हैं, क्योंकि ये प्लांट अपना तो जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको पानी की सहायता, पानी की जरूरत होती है। बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल, रह सकते हैं सॉइल पे, अपना जीवन तो काट लेंगे, लेकिन अपना जीवन काटने से काम नहीं ना चलना, इनको रिप्रोड्यूस भी तो करना है, और रिप्रोड्यूस करने के लिए दे नीड द फिल्म ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर चाहिए। वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट पहुंचेगा हमारा फीमेल गैमीट के पास। मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास पहुंचने के लिए वाटर के सहायता की जरूरत है, पानी की उपलब्धता आवश्यक है। बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन डिपेंड करते हैं वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गा। ब्रायोफाइट की बॉडी अच्छी तरह से वेल डिफरेंशिएटेड है एल्गा से। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है ब्रायोफाइट की बॉडी। इट इज़ अ थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन देखने के मिलेगा, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, या तो एकदम चपटी धरती के धरातल के साथ एकदम चपटी, या इरेक्ट या खड़ी। तो ये प्रोस्ट्रेट रॉक में मिल सकती है या इरेक्ट पोजिशन में मिल सकती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रॉजॉइड। और इसकी प्लांट बॉडी जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच है बाय मींस ऑफ राइजॉइड्स। राइजॉइड्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। राइजॉइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू रूट नहीं है इनके केस में, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं मिलेगी। हाँ, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो रॉयजाइट्स जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, जिसकी सहायता से इनकी प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की अटैच है सबस्ट्रेटम से। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब है कंटेनिंग एन सिंगल जीनोम। एन इज नंबर ऑफ जीनोम, तो एन इज इक्वल टू वन इनके केस में हैप्लॉइड है, क्योंकि उसमें एक जीनोम है। जीनोम बता रहा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमीट। ये गैमीट प्रोड्यूस करेगी, गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है, हेंस इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। तो दो टर्म यूज होते हैं आप लोग के बायोलॉजी में, जिससे बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज ना होइएगा, वो दोनों टर्म समझ लीजिए, दोनों टर्म समझने आपके लिए ज़रूरी है, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट वो प्लांट बॉडी होती है जो गैमीट प्रोड्यूस करे, और स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी होती है जो स्पोर प्रोड्यूस करे। गैमिटोफाइट वो प्लांट बॉडी जो गैमीट प्रोड्यूस करेगी। देखिए दो टर्म है, गैमीट प्रोड्यूसिंग
बॉडी गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग। स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट एन और स्पोरोफाइट टू एन। तो स्पोरोफाइट में जब स्पोर बनेंगे बाय मीन्स ऑफ मियोसिस डिवीजन बनेंगे, और स्पोर बनेंगे कहाँ, इनसाइड द स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम बेयरिंग लीफ स्पोरोफिल। तो कुछ एक टर्म है जो अभी से दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल बहुत आसान हो जाएगी। तो गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट, एंड गैमेट आर प्रोड्यूस इनसाइड द गैमेटेंजिया। गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होगा, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर गैमेट बनेंगे। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। ठीक है जी, ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत आगे काम आएगी। वापस चलते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। तो बता रहा था कि मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट में है, मेन प्लांट बॉडी का मतलब है कि जो अपने जीवन का ज़्यादातर समय वो जिस अवस्था में बिता रहा है, तो गैमेटोफिटिक स्टेज में बिताएगा, जो कि हैप्लॉयड होगा, एन होगा, और गैमेट उसमें बनेंगे, तो गैमेट भी एन होंगे, और गैमेट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जाइगोट। ओके, यहाँ तक पढ़ा आपने, समझ में आया, आगे चलते हैं, इसको एप्लीकेबल और भी कई जगह करेंगे। तो ये इसने डायग्राम अपनी बुक के दे रखे हैं, ये स्पोरोफिटिक, ये गैमेटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट उगाया है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट को फर्दर बांटा गया है तीन टर्म में, फूड सीटा कैप्सूल। फूड जो होता है गैमेटोफाइट में धसा होता है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ये सीटा, ये कैप्सूल, ये मार्केशिया के उसने बना रखे हैं थैलस दो, जो आपको आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आएगा। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन और बाय गैमा फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय गैमा फॉर्मेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फ्यूजन हो रहा है। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में एल्गा पढ़ा था, एल्गा में यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड थे, गैमेटेंजिया कहला रहे थे, यहाँ पे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है, और उनके लिए टर्म यूज होता है एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, मेल के लिए एंथ्रीडियम और फीमेल के लिए आर्चिगोनियम। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो है मल्टी सेलुलर जैकेटेड है, खूब पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ गैमा फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ गैमेट फ्यूजन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडियम बोलेंगे, स्टॉक डंठल लगा होगा, डंठल नुमा होगा। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड्स जो मेल स्पर्म बन रहे हैं बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, ध्यान रखिएगा। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है, फ्लैग शेप है, और ये हमारा टेनिस रैकेट के आकार का है, एंड प्रोड्यूसेज अ सिंगल एग, और इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एक एग बनेगा। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन टू द वाटर, एंथ्रोजॉइड कहाँ बने, एंथ्रीडियम में, एंथ्रीडियम में बनने के बाद रिलीज हो गए वाटर में। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन लिव ऑन सॉइल, वो सॉइल पे रह तो सकते हैं, बट फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल, दे हैव टू डिपेंडेंट, उनको डिपेंड होना पड़ता है, दे डिपेंडेंट ओवर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर विद द हेल्प ऑफ फिल्म ऑफ वाटर, द मेल स्पर्म्स रीचेस नियर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल गैमीट। तो पानी की उपलब्धता की इनको आवश्यकता है, पानी की उपलब्धता के बिना मेल स्पर्म पहुँच नहीं पाएंगे फीमेल स्पर्म के पास। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन टू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द आर्चिगोनियम, एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज विद द एग। अब वहाँ पहुँच के एंथ्रोजॉइड फ्यूज हो गया एग सेल से, फीमेल गैमिट से प्रोड्यूस कर दिया जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, तो थैलोफाइटा में पहला जो डिवीजन हुआ था एल्गा और फंजाई में, मोस्ट ऑफ द केसेज में पहला डिवीजन मियोसिस था, यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे एम्ब्रायो स्टेज बनी है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो ये जो बना हमारा जाइगोट, जाइगोट ने जर्मिनेट होके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। लेकिन ये स्पोरोफाइट कहाँ बना, स्पोरोफाइट
फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, वहीं पे फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या था, एग, एग के साथ आके फ्यूज हो गया कौन, मेल जर्म सेल एंथ्रोजॉइड, और वहीं पे बन गया जाइगोट, और जाइगोट वहीं पे जर्मिनेट हो गया, तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही स्पोरोफाइट बन गया है, अभी उसी पे है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट बन गया एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे न्यूट्रिशन ले रहा। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब स्पोरोफाइट को फर्दर हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, फूड सीटा कैप्सूल, कैप्सूल की जो सेल है वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगी, उनमें मियोसिस डिवीजन होगा और बन जाएंगे हैप्लॉयड स्पोर्स। ये हैप्लॉयड स्पोर्स रिलीज हुए, जर्मिनेट होकर उन्होंने नई गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट की, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनकी कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कोई हम लोग के लिए हेल्पफुल ये नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर हर्बेसियस, शाकाहारी जंतुओं के लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, अ मॉस प्रोवाइड पीट, स्फैग्नम की स्पीसीज पीट प्रोवाइड करती है, दैट हैज़ बीन यूज्ड एज फ्यूल, जिसको हम लोग फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं, बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल। और ये पीट में कॉटन लाइक सब्सटेंस है पीट, और ये कॉटन की तरह वाटर को होल्ड कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। पैकेजिंग करी किसी के किनारे, आप फिलअप करते हो चीज़ों को जब ट्रांसपोर्ट करते हो तो किनारे पैकिंग लगा देते हो, इसको हम लोग लगा देते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल, ऐसे मटेरियल के किनारे जिसको मॉइस्चर की आवश्यकता है, बिकॉज दे कैन होल्ड द वाटर, क्योंकि उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि प्लांट सक्सेशन में इनका बहुत रोल है, तो लाइकेन सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए, लाइकेन के साथ मॉसेज आ गए, लाइकेन और मॉसेज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इस्टेब्लिश एट द रॉक्स, बेयर रॉक्स पे सबसे पहले यही इस्टेब्लिश हो पाएंगे, एंड हैंस आर ऑफ द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में इनका बहुत महत्व है, सॉइल फॉर्मेशन में और प्लांट सक्सेशन में इनका बहुत महत्व है। दे डिकम्पोज रॉक्स, रॉक्स को तोड़ देंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जिसको बोलते हैं, रॉक्स का क्षय होना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसमें इनका रोल है। दे डिकम्पोज द रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, और सॉइल फॉर्मेशन कर देंगे, सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा तो हायर प्लांट्स भी वहाँ आने वाले समय में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। सिम्स मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ओवर द सॉइल, सॉइल के ऊपर ये एक हरी चादर की तरह बिछ जाते हैं, इस वजह से जो रेन ड्रॉप्स है जो ऊपर से गिर रही है, बारिश हो रही है, विच कैन इरोज द फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो सुपरफिशियल लेयर सॉइल की बहा के ले जा सकते हैं, उसका इम्पैक्ट, पानी की बूंद आके गिर रही है तेजी के साथ, उसका इम्पैक्ट कम कर देते हैं, इस वजह से सॉइल इरोशन को रोकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉइल का इरोशन। लीवर वर्ड्स पे आ जाइए, जनरल कैरेक्टर, हैबिटेट एंड बॉडी फॉर्म, द लीवर वर्ड्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट डेंस एंड शेडी प्लेस, तो ज़्यादातर ये आपको नम छायादार वाले स्थानों पे मिलेंगे, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, जैसे कि नदी की धाराओं के किनारे, मार्शी ग्राउंड, दलदली जमीन पे, डैम सॉइल जहाँ पे नमी होगी, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स, तो पेड़ की छाल पे आपको ये मिल सकते हैं। द प्लांट बॉडी लीवर वर्ल्ड में थायलॉइड, प्लांट बॉडी जो है थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मार्केंशिया इसका एग्जांपल है, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, थैलस जो होगा प्लांट बॉडी जिसको अब हम थैलस बोल रहे हैं, चपटी होगी, डॉर्सी वेंट्रल, तो उसके डॉर्सल और वेंट्रल दो सरफेस हो सकती, चपटी होगी एंड क्लोजली अप्रेस्ड, और बिल्कुल लगभग जमीन से लगी, क्लोजली अप्रेस्ड बिल्कुल जमीन से लगी चपटी प्लांट बॉडी है टू द सबस्ट्रेटम। द लीफी मेंबर हैव देयर लीफी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और वो मेंबर जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, लीफी मेंबर उनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस पत्ती के जैसे अंग मिल रहे हैं, इन टू रो दो पंक्तियों में लगे होंगे, किस पे लगे होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे, तो ना तो ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीफ है, बल्कि लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो लीफी मेंबर्स उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जो दो रो में है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे ऑर्गन पे अटैच है। ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द थैलस यूनिसेलुलर राइजॉइड्स आर प्रेजेंट, तो वेंट्रल सर्फेस पे ये हमारी
प्लांट की बॉडी है, ये सरफेस जो नीचे की तरफ है धरती के, ये बिल्कुल धरती से क्लोजली लगी है, ये धरती और ये बिल्कुल क्लोजली अप्रेस्ड है धरती से। तो ये ऊपर की सरफेस डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस यूनिसेलुलर राइजॉइड्स आर प्रेजेंट, यूनिसेलुलर राइजॉइड्स प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, सेक्स ऑर्गन डॉर्सल सरफेस पे है ऑफ द थैलस। रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाइन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा, या गैमा का फॉर्मेशन होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा, सिंगुलर है गैमा, गैमी उसका प्लूरल है। गैमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, इसको याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि गैमी क्या है, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है विच डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल का मतलब है पात्र, पात्र रिसेप्टिकल पात्र भाई पात्र, विच डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल गैमा, गैमा कब लोकेटेड डॉर्सली, जो डॉर्सली लोकेटेड है। तो वेंट्रली क्या है भाई, डॉर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे राइजॉइड्स है, डॉर्सल साइड पे गैमा। मैच्योर गैमी सेपरेट एंड गेट डिस्पर्स बाय एनिमल्स, मैच्योर हो जाएगा जब गैमी, तो उससे डिस्पर्स फैल जाएगा बाय मीन्स ऑफ एनिमल्स एंड वाटर एंड जर्मिनेट टू, भाई एनिमल्स चल रहे हैं धरती पे, वहाँ पे कालीन हरी बिछी हुई है, तो उनके पाँव से लग के गैमा का डिस्पर्सल हो जाएगा और गैमा नए हैबिटेट में पहुँच के या नई जगह पहुँच के जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सर्फेस, सेक्स ऑर्गन भी डॉर्सल सर्फेस पे है, आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड, अब सेक्स ऑर्गन बता के इसने छोड़ दिया, क्योंकि सेक्स ऑर्गन के बाद की कहानी ये आपको जनरल टर्म्स में बता चुका है, अभी हम लोग लीवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो लीवर वर्ड्स की बात होते होते इसने सेक्स ऑर्गन बता दिया और छोड़ दिया, क्योंकि पहले ही बता चुका है सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे, एंथ्रोजॉइट्स बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, मैच्योर होने के बाद लिबरेट हुए पानी की सहायता से आर्चिगोनियम के मुंह में पहुंच गए जो फ्लैग शेप है, एंथ्रीडियम आपका टेनिस रैकेट आकार का है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड है, जब ये एंथ्रीडी आर्चिगोनियम के माउथ पे पहुंचे अंदर एंटर होके एक सेल से फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट में डिवीजन होके स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो ये चीज़ पहले ही डिस्कस हो चुकी, इसलिए यहाँ पे इसने सेक्स ऑर्गन का डिस्कशन करके आगे की कहानी आप पे छोड़ दी कि अब आप याद कर लो। तो स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, स्पोरोफाइट को फूड सीटा कैप्सूल में हम लोग बांट सकते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम थैलाई और डिफरेंट थैलाई, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही थैलाई पे भी बन सकते हैं, अलग अलग थैलाई पे भी बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज ओगैमस, ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद रख लीजिएगा। लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लोंटिक, लाइफ साइकिल इसकी हैप्लोडिप्लोंटिक है, क्या होती है वो हम लोग चैप्टर के आखिरी में आगे समझेंगे। इन देम स्पोरोफाइट्स डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट जो है पार्शली और फुल्ली डिपेंडेंट है गैमिटोफाइट पे, क्योंकि उसी पे उगाया। दिस इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट, ये एक विशिष्ट गुण है ब्रायोफाइट का कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ओवर द गैमिटोफाइट। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, अभी बात हुई कि स्पोरोफाइट को हम लोग फूड सीटा कैप्सूल में बांट सकते हैं आफ्टर मियोसिस, मियोसिस कहाँ होगा कैप्सूल में, स्पोर मदर सेल्स बना देंगे स्पोर्स, स्पोर्स बन गए, स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल जो कि हैप्लॉइड है। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमिटोफाइट, और ये स्पोर जर्मिनेट होके फ्री लिविंग गैमिटोफाइट बना देगा। लीवर वर्ल्ड के बारे में इतना ही टिंग टिंग टिंग। आगे चलते हैं मोसेस पे, जनरल कैरेक्टर हैबिटेट एंड बॉडी फॉर्म। मोसेस आर कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, ये भी हमको नम छायादार स्थानों पे मिलेंगे। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर स्पीसीज दैट कार्पेट वुडलैंड एंड फॉरेस्ट फ्लोर, ज़्यादातर मोसेस आपको उन स्पीसीज के मिल रहे हैं जो आपको हरे कालीन की तरह, आप जंगल जाएंगे तो देखेंगे आपको लगेगा कि धरती पे हरा कालीन बिछा हुआ है, तो आपको दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर स्पीसीज दैट कारपेट कालीन की तरह बिछे हुए हैं वुडलैंड एंड फॉरेस्ट, ऐसी जगह पे जहाँ पे पेड़ बहुत है, ऐसी जगह पे जहाँ पे जंगल है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक हरी चादर बिछी हुई है, वो हरी चादर मोसेस की होती है ज़्यादातर केस में। प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ मोसेस इन गैमिटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, तो प्री डोमिनेंट स्टेज मोसेस की गैमिटोफाइट है, मेन गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी ज़्यादातर समय गैमिटोफाइट में ही बिता रहा है, गैमिटोफिटिक जनरेशन में ही बिता रहा, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, और गैमिटोफाइट इस जो इसकी लाइफ फेज है, लाइफ की फेज, उसमें दो स्टेज है, मेन अपना समय ये गैमिटोफाइट
प्लांट बॉडी के तौर पे गैमेटोफिटिक जनरेशन में बिता रहा है, लेकिन गैमेटोफिटिक जनरेशन में दो फेज है। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा, पहली स्टेज है प्रोटोनिमा, दूसरी स्टेज है लीफी। प्रोटोनिमा में फर्दर दो है, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो कि डायरेक्टली स्पोर से बनी। पहला बनेगा प्राइमरी प्रोटोनिमा, इट इज अ क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब है रेंग के चलने वाली, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। तो ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच पहली हमारी बन गई प्राइमरी प्रोटोनिमा। फ्रॉम द प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा अराइजेस, प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब प्राइमरी स्टेज जो हमारी है उससे सेकेंड फर्स्ट स्टेज, अब सेकेंड स्टेज उससे सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। अरे भैया हम लोगों ने बोला, क्या बोला हम लोगों ने, बोला कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी है। देखिए गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी में ये अपना जीवन बिता रहा है। कौन जी? अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉसिस को, लीवर वर्ड पढ़ चुके, तो इसमें दो स्टेज देखने को मिल रही है। मेन ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में अपनी बता रहा, और इसकी फर्दर दो स्टेज है, प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में फर्दर हमें दो तरह के मिल रहे हैं प्राइमरी स्टेज में, कौन कौन जी? प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो फर्स्ट स्टेज बोल दीजिए इसको, फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसको सेकेंड स्टेज बोल दीजिए जो कि लीफी स्टेज है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में दो उसके कई फेजेस, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, और फर्स्ट फेज के फर्दर दो स्टेज, प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज में प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो स्पोर ने जर्मिनेट होके क्या बना दिया? प्राइमरी प्रोटोनिमा, जो कि ग्रीन होगा, क्रीपिंग होगा, ब्रांच होगा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज बनेगी, लीफी स्टेज बनेगी। और लीफी स्टेज में ही ये बियर करेगा गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, गैमिटोफाइट है, गैमीट बनाना है, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट और स्पोरोफाइट। तो अभी तो हम लोग गैमिटोफाइट की बात कर रहे हैं, गैमिटोफाइट में मॉसेस में आपको दो स्टेज देखने को मिल रही हैं, प्राइमरी स्टेज और फर्स्ट स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट स्टेज हमारी प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा फर्दर दो तरह के, प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा बना है डायरेक्ट स्पोर के जर्मिनेशन से, प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज बनेगी जो कि इरेक्ट होगी। अभी तक ये क्रीपिंग है, ठीक, वापस चलता हूँ उधर, क्लियर। आइए देखिए द सेकेंड स्टेज, तो प्राइमरी स्टेज क्या थी? प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा, सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस, ये ऊपर की तरफ सीधे खड़े अपराइट सिलेंडर एक्सिस, पतले एकदम बिल्कुल एक्सिस है, बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव, जिसपे स्पाइरल अरेंज लीव्स है, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स। इसमें मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स मिल रहे हैं हमारे मॉसेज में, और लीवर वर्ट में यूनि सेलुलर राइजॉइड्स से, तो मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स है। द स्टेज बियर्स दिस स्टेज, और ये लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स बियर करेगी। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया आर्चिगोनियम में बनेंगे, क्या सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेंगे गैमीट, और गैमीट के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट डेवलप, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट पे ही सेकेंड वाली जो स्टेज थी कौन सी? लीफी। प्राइमरी स्टेज कौन सी थी? प्रोटोनिमा। प्राइमरी स्टेज के फर्दर दो, प्राइमरी प्रोटोनिमा, फर्स्ट स्टेज के प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब यहाँ पे लीफी स्टेज, लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन है कहाँ पे? एपेक्स पे, और सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बने? एंथ्रोजॉइड और हमारे एक्सेल बनी, उनके फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट जर्मिनेट होके वहीं पे, अभी वहीं जर्मिनेट हो गया, और उसने क्या बना दिया? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी जो फूड सीटा कैप्सूल की
बनी होती है। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस मोर इलेबोरेट, स्पोरोफाइट मॉसेस के लीवर वर्ड की तुलना में ज्यादा विस्तृत, ज्यादा विकसित है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स है, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से हुआ है। द मॉसेस हैव इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, मॉसेस के केस में आपको विस्तृत तौर पे देखने को मिलेगा कि इनके पास इस तरह का मैकेनिज्म है कि स्पोर छितर जाए, बिखर जाए। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। अब हम लोग आ गए ब्रायोफाइट के, कुछ क्वेश्चंस लगा लें तो आपका पूरा हो जाएगा। उससे पहले आइए एक बार फिर से समझ लें हम लोग। देखिए भाई क्या है, फिर से समझो हम लोग के ब्रायोफाइट के केस में। ब्रायोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है, जिसमें वो अपना ज्यादातर समय बिता रहा है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी में गैमेट बनेंगे, ये गैमेट प्रोड्यूसिंग है, मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट जो बने, बने कहाँ, इनसाइड द एंथ्रीडियम। एंड आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम के अंदर बने हैं एंथ्रोजॉइट्स, आर्चिगोनियम के अंदर बना है एग सेल। एंथ्रोजॉइट्स कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड है एंथ्रोजॉइट्स। मेल गैमीट बाइफ्लैजिलेटेड होगा और जाके किससे फ्यूज होगा, एग सेल से। अब हमारा एंथ्रीडियम जो है टेनिस रैकेट के आकार का है, स्टॉक्ड है, मल्टी सेलुलर और आपको जैकेटेड मिल रहा। तो ये बाहर की तरफ हमने स्टेराइल जैकेट बना दी, अंदर की तरफ ये मल्टी सेलुलर हमने यहाँ पे बनेंगे एंथ्रोजॉइट्स। और आर्चिगोनियम कैसा है, आर्चिगोनियम फ्लैग शेप है, बाहर की तरफ ये जैकेट है, यहाँ पे एक्सेल होगा। तो एंथ्रोजॉइट्स यहाँ पहुँचेंगे पानी की सहायता से और यहाँ जाके इससे एक्सेल से फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा और ये यहीं जर्मिनेट होकर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। तो गैमेटोफाइट पे ही स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, फूड सीटा और कैप्सूल की। तो ये आपको फूड सीटा और कैप्सूल, तो नीचे आपका गैमेटोफिटिक गैमेटोफाइट पे ही फुट, फुट तो धसा हुआ दिख ही नहीं रहा, सीटा और ये कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होंगे, कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होंगे और बन जाएंगे स्पोर्स हैप्लॉयड। हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे। ठीक है, ये तो लीवर वर्ड की बात हुई। मॉसेस के बारे में बता रहा है कि मॉसेस में आपको देखने को मिलेंगी दो स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा, जो कि बनी है स्पोर के जर्मिनेट होने से। प्रोटोनीमा दो तरह के हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा, ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ब्रांच होगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा से लेटरल बट सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन गया और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से राइज होगी सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज, लीफी स्टेज कैसी होगी, अपराइट होगी, सिलेंडर होगी, सिलेंडर एक्सिस है, अपराइट है, इरेक्ट है। उसके एपेक्स पे अब ये धारण करेगी क्या, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। उसके अंदर क्या बनेंगे, अभी बताया, एंथ्रोजॉइड्स और मेल, मेल गैमिट और फीमेल, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट पहुंचा आर्चिगोनियम पे, जाके फीमेल एक्सेल से फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया और जाइगोट वहीं पे जर्मिनेट होके बना देगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जिसमें फूटसीटा कैप्सूल और कैप्सूल के स्पोर मदर सेल, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन बन गया स्पोर्स, हैप्लॉयड स्पोर्स, हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे। टिंग टिंग टिंग, खत्म। ये है आपकी कहानी, फिर तेरी कहानी याद आई। ओके जी, तो वापस चलूँ अब आपको समझ में आ गई ब्रायोफाइट की लाइफ हिस्ट्री। अब हम लोग लगा लें ब्रायोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन और आपका ब्रायोफाइट खत्म। ओके।